नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम जल्दी में बिगनर्स के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। जो व्यूअर्स नहीं देखना चाहते वो कृपया एक मिनट के लिए स्किप कर सकते हैं। आपके साथी अच्छे होने चाहिए, आपकी कंपनी अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। आप किसी भी शेयर को निकालेंगे तो वो कहेंगे इसमें ये चीज है, इसमें वो चीज है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मैंने मझगांव 450 रुपए में बताया था, तो जिस समय मैंने मझगांव बताया तब हमारा नया नया यूट्यूब पे चैनल पे था, तो उस समय क्या हुआ कि कुछ व्यूअर्स ने ये लिखा कि जी ये तो बहुत कर्जा है, इस पे तो ये है वो है। जब मैंने बैलेंस शीट चेक करी तो मुझे कहीं कुछ नजर नहीं आया, मैं कॉन्फिडेंट था कि नहीं है, लेकिन फिर भी वो लिखते रहे। फिर एक ने तो यहां तक लिखा, क्या यही शेयर बताना जरूरी है आपके लिए, तो आप क्यों लोगों को खराब कर रहे हो। जबकि वो 450 में मैंने भी लिया था, आज वो दाम उसके 5000 रुपए हैं। और साथ ही सिंघवी साहब वर्गों ने भी वो 1900 या 1800 हो गया तब बताया था, उससे पहले कोई भी नहीं उसको बता रहा था। इसलिए उसको नॉलेज तो होनी ही चाहिए उस काम की। तभी साथी एक बार जंगल के अंदर एक बाघ और गधा की बहस हो गई। गधा बोला कि घास नीली होती है, बाघ उसका साथी था वह बोला यह तो हरी है, गधा बोला नहीं नीली है। दोनों में गर्मा गर्म बहस हो गई। आखिर जंगल के राजा शेर के पास गए। शेर ने दोनों की बातें सुनी और फैसला दिया कि बाघ के 50 कोड़े लगाए जाएं। बाघ बोला राजा जी आप भी घास को नीली समझ रहे हैं। शेर बोला घास तो हरी है, सजा आपको गधे के साथ बहस करने और गधे के साथ दोस्ती रखने के लिए है। आज हम बात करेंगे डिफेंस सेक्टर की कंपनी के शेयर की, जो जीरो डेट कंपनी है। Q1 FY25 के शानदार नतीजे पेश किए हैं, मजबूत ऑर्डर बुक है, मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत पॉजिटिव है और एक साल की रिटर्न 157% है। तो देखते हैं इसको। उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को कृपया आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपकी एप्रिसिएशन हमारी टीम को अच्छी लगती है और साथ ही शेयर कीजिए। हम बात कर रहे हैं जैन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयर पर। जैन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयर पर चर्चा करेंगे। कंपनी रक्षा और सुरक्षा बलों के लिए लड़ाकू प्रशिक्षण समाधान और काउंटर ड्रोन समाधान डिजाइन विकसित और निर्माण करती है। यह उन तकनीकों के स्वदेशीकरण में विशेष रूप से शामिल है जो भारतीय सशस्त्र बलों, राज्य पुलिस बलों और अर्धसैनिक बलों के लिए फायदेमंद है। जैन टेक्नोलॉजीज का मुख्यालय हैदराबाद में है, भारत यूएई और यूएसए में इसके कार्यालय है। उत्पाद पोर्टफोलियो देख लेते हैं इसके क्या हैं। प्रशिक्षण सिमुलेशन उपकरण, रक्षा प्रशिक्षण समाधानों में यह अग्रणी है। काउंटर ड्रोन समाधान, एंटी ड्रोन सिस्टम का उपयोग अवांछित ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहनों यूएवी का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए किया जाता है। वार्षिक रखरखाव और अनुबंध, यह कंपनी के लिए सबसे फायदे वाली रेकरिंग रिटर्न की स्कीम है। इनकम, रेकरिंग इनकम इससे होती है और खर्चा कुछ नहीं होता। बाजार की हिस्सेदारी, जैन टेक्नोलॉजीज टैंक सिमुलेटर्स में 95% से ज्यादा की हिस्सेदारी है इसकी, और रक्षा प्रशिक्षण समाधान में लीडरशिप है इसकी। ऑर्डर बुक 1400 करोड़ की है, इससे ज्यादा ही है। 80% इंडिया से और 20% रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से आता है। कंपनी की वित्तीय वर्ष 24 तक 5 सहायक कंपनियां हैं। कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी अच्छा खर्च करती है। वित्त वर्ष 24 में 24,51,00,000 रुपए खर्च किए हैं। तो जो कंपनी खर्च नहीं करेगी R&D पर वो टेक्नोलॉजी में पिछड़ जाएगी। नोकिया का यही हाल हुआ है, एटलस साइकिल का यही हाल हुआ है। वित्त वर्ष 24 तक 15 पेटेंट रजिस्टर्ड हैं इसके। ग्राहक रक्षा मंत्रालय है, भारत सरकार है और उसके सशस्त्र बल, सुरक्षा बल और अर्धसैनिक बल हैं। सारे गवर्नमेंट ने ले लेना इसका सारा सामान। मार्केट कैप 13,523 करोड़ है, आज के दाम 1600 रुपए है। रिटर्न ऑन इक्विटी 33.10% है। इक्विटी पे जो रिटर्न है वो बहुत अच्छी है, सीधा लाभ होता है ये 33.10%, 1/3। रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड, कैपिटल पर भी रिटर्न है जो वो 46.30% है। दोनों ही बहुत शानदार है।
फेस वैल्यू 1 रुपया है, कंपनी जीरो डेट कंपनी है, कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 56.90% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दी है, कंपनी की औसत बिक्री पिछले 10 वर्षों की औसत से 27.60% अधिक है, तनेजा एरोस्पेस और कोचीन शिपयार्ड इसकी पीयर कंपनीज हैं, ज्यादा तो नहीं बाई एंड लार्ज ये इसकी पीयर कंपनी मानी जा सकती है। कंपनी ने क्वार्टर वन FY 25 के रिजल्ट्स पेश कर दिए हैं, हम इसके क्वार्टर वन FY 24 के साथ इसकी कोरिस्पोंडिंग क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे और एक लास्ट क्वार्टर को भी देख लेते हैं। सेल है जो जून 23 के अंदर 132 करोड़ थी, मार्च 24 के अंदर 141 करोड़ थी और जून 24 के अंदर तो 255 करोड़ है, बहुत अच्छी इंक्रीज हो रही है सेल में। OPM 52% था जून 23 में, फिर 36% रह गया मार्च 24 में और जून 24 के अंदर 44% है। नेट प्रॉफिट 48 करोड़ था जो मार्च 24 में 38 करोड़ रह गया क्योंकि मार्जिन कम हो गया था, और जून 24 के अंदर 79 करोड़ है जो सेल के बढ़ने और मार्जिन भी 36 से 44 तो हुआ ही है 79 करोड़। इसके पैरामीटर भी देखेंगे, 3 साल की CAGR सेल ग्रोथ है जो वो 157% है, बहुत अच्छी है। 3 साल की CAGR प्रॉफिट ग्रोथ है 257% है और स्टॉक प्राइस CAGR है जो वो 157% है, जो FD पे 6-7% CAGR से मिलता है आपको रिटर्न, वो इसका 157% है 3 साल का। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल की एवरेज 18% है जो काफी अच्छी है, लेकिन अब बढ़ गई है बहुत ज्यादा। बैलेंस शीट है जो शेयर कैपिटल पर 8 करोड़ है, शेयर कैपिटल 8 करोड़ है, रिजर्व है जो 440 करोड़ के 8 करोड़ की इक्विटी पे 440 करोड़ के इसके पास रिजर्व है, बोरिंग 2 करोड़ है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 10 करोड़ है, डेट फ्री कंपनी है। मैंने पहले भी बोला बहुत सॉलिड बैलेंस शीट है ये, बहुत मजबूत बैलेंस शीट कहा जाएगा इसको। प्रमोटर की होल्डिंग 55.7% है, काफी अच्छी है। FII 3.9% है, DII 3.37% है, पब्लिक के पास 37.94% है। FII और DII की भी अच्छी खासी एंट्री है, इसलिए प्रमोटर होल्डिंग तो बहुत ठीक है 55.7%, तो कुल मिला के शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत शानदार है, फंडामेंटल्स बेहद दमदार है, बहुत अच्छे फंडामेंटल्स हैं। अब हम जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के शेयर पर, शेयर की प्राइस वैल्यूएशन देखेंगे, प्राइस वैल्यूएशन देखेंगे क्या यह उचित दाम पर मिल रहा है। बाजार जानकारों की भी हम हेल्प ले लेंगे या राय लेंगे। रेवेन्यू है जो 92% बढ़ गया इसका क्वार्टर वन में पिछले क्वार्टर से, और जो नेट प्रॉफिट है वो 64% बढ़ गया, बहुत अच्छे रिजल्ट्स कहे जाएंगे। 30 जून तक मौजूदा ऑर्डर बुक है जो वो 1400 करोड़ से ऊपर है, 1411 करोड़ है शायद। आज दाम 1600 रुपए है, पी 105 है, सेक्टर पी 54 है। तो दोस्तों बिल्कुल इसी तरह का काम करने वाली तो बहुत कम है, इसलिए सेक्टर पी को इसके साथ मेल नहीं कर सकते हम। लेकिन जो हमने जो पहले लिए तनेजा एरोस्पेस है जो वो 85 की पी पर मिल रहा है, और कोचीन शिपयार्ड है वो 83 की पी पर मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है जो लीडर होते हैं या जो ग्रोइंग फ्यूचरिस्टिक स्टॉक्स हैं उनकी तो पी ऊंची ही रहेगी, चाहे कोई पीडी लाइट देख लीजिए, लिंडे देख लीजिए, किसी को भी जो लीडर हैं अपने सेक्टर के उनकी तो ज्यादा ही रहेगी। इसलिए मैं इसको नहीं मानता कि ये ज्यादा है, पी एक्सपेंसिव नहीं है शेयर। तो कमेंट्री मैनेजमेंट की है जो 2025 तक टर्नओवर 900 करोड़ तक हो जाएगी, होनी चाहिए, गाइडेंस है उसकी। कंपनी ने 4 नए रक्षा उत्पाद लॉन्च किए हैं, ये भी एक बड़ी खबर है। 1 महीने में 37%, 3 महीने में 51%, 1 वर्ष में 157%, 3 वर्ष में 1617% की रिटर्न दी है। एक विश्लेषक कवर कर रहा है इसको, इकोनॉमिक टाइम्स में कर रहा है इसको, खरीद की मजबूत खरीद की राय दे रहा है वो।
वन ईयर फोरकास्ट 1733 रुपए और 5 वर्ष की 2840 रुपए है। यह एक बहुत ही रिप्यूटेड फोरकास्टिंग कंपनी की फोरकास्टिंग है। 1 वर्ष की 1733 रुपए और 5 वर्ष की 2840 रुपए। हमारी टीम इस शानदार फंडामेंटल स्टॉक पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर पर बुलिश है और अनुमान है कि अगले 2 साल में यह 3000 रुपए तक भी जा सकता है। कोई भी किसी भी तरह का निवेश करने से पहले हमारा डिस्क्लेमर भी देख ले आप, जो कमेंट बॉक्स में होता है, कई बार डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, और आप दोस्तों समय निकालकर हमारे वीडियोस देखते हैं, उसके लिए आपका हमारी टीम की ओर से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।